हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग डिलीशियस। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल की सब्जी की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है और इसके सामने खाने में नॉनवेज भी आपको फेल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कटहल की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg कटहल को अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके ले लिया है, और साथ ही में मैंने ले लिया है ये सारी चीज़ें। तो इसमें मैंने गरम मसाला है ये साबुत लिया है, 3 से 4 इसमें दालचीनी है, 5 से 6 काली मिर्च, 1 चक्रफूल है, 3 से 4 लौंग है, 2 बड़ी इलायची, 4 मीडियम साइज का प्याज, 3 टमाटर, 2 छोटा छोटा अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 9 से 10 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ों को हम पीस करके पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। इसमें हम डाल देंगे कटहल के पीसेस को। सरसों के तेल में कटहल की सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सेम कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल और ऐड कर दिया है। इसमें मैंने 1 छोटी चम्मच जीरा डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे 3 हरी मिर्च को रफली तोड़ करके डाला है, 2 तेज पत्ता डाल दिया है। सारी चीज़ों को पक जाने देते हैं। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। जितने अच्छे से आप प्याज को भूनेंगे उतना ही अच्छा ग्रेवी का टेस्ट आएगा। तो मीडियम फ्लेम पे प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, अदरक, लहसुन और साबुत गरम मसाला का पेस्ट। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे भी भून लेते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुके हैं, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर मैंने डाला है 2 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून मैंने डाला है, क्योंकि साबुत गरम मसाला भी मैंने पीस करके डाला है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि सारे ड्राई स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब इसे भी मिक्स कर लेते हैं, और इसे मीडियम फ्लेम पे हम बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, कढ़ाई छोड़ने लगा है, ऑयल सेपरेट होने लग गया है। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने भुना है मसालों को। अब इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 ग्लास। इसे अच्छे से मिक्स करके ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को चेक कर लेते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा पानी हम और ऐड करेंगे। तो ये काफ़ी थिक लग रहा है, इसमें हम 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर देते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, आपको कितना थिक या कितना पतला रखना है। इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी फ्राइड कटहल के पीसेस को। अब इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे ढक करके हमें तब तक कुक करना है जब तक कि कटहल के पीसेस अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, सब्जी अच्छे से पक चुका है। एक बार मिक्स करके हम चेक कर लेते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कटहल के पीसेस पके हैं या नहीं। तो ये देखिए एक पीस को मैंने इस तरह से प्रेस किया तो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, और ये देखिए सब्जी का टेक्सचर बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसे मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप इस रेसिपी को एक बार से और ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और ट्राई करने के बाद अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।